हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए की ब्यूटी अफेयर। दिस इज़ अक्षता यार। तो आज हम करेंगे एंगेजमेंट ब्लू लुक, क्योंकि मेरा दुपट्टा ब्लू एंड गोल्ड है गाइस। तो ये वीडियो कैसे, ये लुक कैसे अचीव किया, उसके लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स रोल ऑन टू द वीडियो। सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से वेट वाइप की हेल्प से वाइप करूँगी। फेस वॉश कर लिया है गाइस, बट लाइक यू नो आई एम डूइंग दिस वीडियो लाइक आफ्टर आई हैव डन माई फेस वॉश 2 आवर्स के बाद, सो आई एम क्लीनिंग दैट। फिर मैं ये NYB का स्किन फिडेंट सीरम जो है हाइरुलोनिक एसिड वाला, उसको अच्छे से फेस पे अप्लाई करूँगी एज अ मॉइस्चराइजर। एंड यू आर गोइंग टू बी द ब्राइड, लाइक यू नो एंगेजमेंट डे है आपका, इंपॉर्टेंट डे है गाइस। तो उस दिन डोंट फर्गेट यू नो टू स्क्रब एंड ऑल ऑफ दैट, स्किन प्रेप ज़रूर कीजिएगा आपका अच्छे से। मैं तो ये आपको दिखा रही हूँ बिकॉज आई कीप डूइंग माई स्किन केयर डेली। फिर मैंने आईब्रोज ऑफलाइन कर लिए हैं और ये मेबलिन के एज रिवाइंड कंसीलर से आईब्रोज को क्लीन कर रही हूँ। और ये स्टे कुर्की का मेरा न्यू परचेज है। आपने अगर मेरा हॉल नहीं देखा है पर्पल वाला, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो। तो उसमें ये मैंने न्यू परचेज किया था। ये प्राइमर है, आई प्राइमर, ये जेल कंसिस्टेंसी है गाइज और बहुत कम लगता है। तो आई लिड्स अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है और फिर मैं वो कंसीलर, बिकॉज वो अपने आईलिड्स के ऊपर जो डार्कनेस है उसको कवर नहीं करेगा, इट विल जस्ट पॉप आउट योर आई शेडोज। दैट्स वाई एन आई शेडो प्राइमर इज देयर, बिकॉज वो जेल बेस्ड है। टिंटेड वाला होता तो आई थिंक वी डोंट हैव टू अप्लाई एनी आई शेडो, बट आई थिंक इट वर्कड, इट प्रीटी वेल वर्कड यू नो। सो मैं इसको लूज पाउडर की हेल्प से सेट कर लूँगी। अब मैं शुगर का जो कॉन्टोर है मेरा, उसमें से वो कॉन्टोर शेड लेके एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से एज क्रीज पे एज अ ट्रांजिशन शेड लगा रही, बहुत लाइटली, जस्ट टू लाइक यू नो गिव अ बेस टू माय एंटायर आईलिड। थोड़ा वार्म्थ देने के लिए मैं ये ब्राउन शेड लगा रही हूँ एंड आई बी अप्लाइंग दैट टिल द टाइम आई एम हैप्पी विद द पे ऑफ। अब मैं ये SFR का मिनिएचर पैलेट ले रही हूँ गाइज, ये शेड ब्लू वाला है। इसमें से जो लाइट ब्लू शेड दिख रहा है आपको, स्काई ब्लू शेड, उसको लेके अच्छे से ब्लेंड करना है। दिस आई शेडो पैलेट इज़ गुड गाइज, सस्ता है, अच्छा है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुई मुझे आई शेडोज ब्लेंड करने में, बट इट्स ओके, एंड रिजल्ट अच्छा था। और लाइक यू नो कम पैसे में जितना मिल रहा है, आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड एज पर इट्स प्राइस, इट्स डूइंग इट्स जॉब। सो अच्छे से इसको क्रीज पे लगा लूँगी मैं एंड इन माई इनर एरिया ऑफ माई आई एंड आउटर एरिया, सेंटर पोर्शन छोड़ के अच्छे से मैं लगा रही हूँ, यू कैन सी दैट। फिर मैं यहाँ पे वापस से वो ब्रश लेके ब्लेंड कर रही हूँ। एज यू सी गाइज, हर वीडियो में आप देख रहे होंगे मैं ब्लेंडिंग बहुत अच्छा करती हूँ, बिकॉज वो करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कलर्स कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है, दैट शुड नॉट बी विजिबल। फिर वो पैलेट में से मैं जो डार्क ब्लू शेड है गाइज, उसको सिर्फ अपनी क्रीज पे फोकस करूँगी और वही जो शेड था ब्लू, वापस से वही सेम ब्रश पे लेके स्काई ब्लू शेड को थोड़ा सा ऊपर उसके साथ ब्लेंड करूँगी, सो दैट एवरीथिंग लुक्स सीमलेस। फिर वो उसमें से जो स्काई ब्लू ग्लिटरी शेड है वो अपने दोनों आईलिड्स के सेंटर पे लगाऊंगी। सो बिकॉज आई क्रिएटेड एन हेलो आई मेकअप गाइज, सो ऑफ कैमरा मैंने आईलैशेस लगा लिए, मालियों का लाइनर लगा लिया। अब फेस की बारी, फेस के लिए मैं निक्स का ये ड्रॉप प्राइमर यूज़ करी, विच इज़ वेरी गुड एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल डे। एंगेजमेंट है आपकी तो डेफिनेटली स्पेशल डे है गाइज, गर्ल्स सॉरी। तो उसके लिए आप प्राइमर और ये सब अच्छे से लगाए, यू कैन सी वंस आई अप्लाई माई प्राइमर। नाउ वी विल मूव ऑन टू करेक्टर, ये भी मेरा न्यू परचेज है। सो इसको सबसे पहले फिंगर की हेल्प से, इसमें ब्रश अच्छा है गाइज, पर फिंगर की हेल्प से पहले जहाँ जहाँ मुझे मेरे डार्क एरियाज़ को कंसील करना है उसको लगाऊंगी डॉट डॉट करके इन ऑल माई एरियाज़ वेर वेर डार्क स्पॉट्स हाइड करने के लिए। और उसको जो उसके साथ ब्रश आया ना गाइज, उसी ब्रश से मैं उसको हल्के हल्के से ब्लेंड करूँगी, यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग इट। ज़्यादा रब नहीं करना है, हल्के हल्के से ब्लेंड करना है। अभी उसको मैं हल्का सा लूज पाउडर से सिर्फ सेट कर रही हूँ, सो दैट इट शुड नॉट मिक्स विद माय फाउंडेशन, नहीं तो अपना फाउंडेशन अगर वो स्लाइटली ऑरेंजिश हो जाएगा या ग्रेइश हो जाएगा यू नो इसके लिए। फिर मैं ये मेबलिन का 24 आवर्स सुपर स्टे फाउंडेशन ले रही हूँ, 2 पम्प्स ले रही हूँ। फुल कवरेज, ऑब्वियसली यू हैव टू गो फुल कवरेज ऑन दैट डे।
नाइसली डॉट डॉट करके सब जगह नेक और फेस पे लगा लूँगी। फिर विद द हेल्प ऑफ माई ब्यूटी ब्लेंडर आई ब्लेंड ऑल माई फाउंडेशन टुगेदर। अभी अगर आपको इसके अंदर स्ट्रॉबेरी क्रीम चाहते हो मिक्स करना तो आप कर सकते हो गाइज। नाउ वी विल मूव ऑन टू कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए मैं NYV का ये कॉन्टोर ले रही हूँ। इट्स अमेजिंग कॉन्टोर गाइज। ये स्टिक ऑसम है, ऑसम लाइक वेरी अफोर्डेबल बट डज द वर्क रियली वेल। बहुत अच्छा करता है, वेरी वर्थ इट है। सी क्रीम कॉन्टोर्स गिव यू दैट परफेक्ट यू नो चिजल्ड लुक विच इज रिक्वायर्ड, मेक्स योर फेस लुक स्लिम नाइसली। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अभी हम हाइलाइटर कंसीलर जो ही वही शेड जो है मेरा, इट्स माय हाइलाइटर। ये न्यू पैकेट था गाइस, इसका इट टुक टाइम फॉर मी टू रिमूव दैट, बट मेरे यूजुअल हाइलाइटेड पॉइंट्स में इसको अब मैं लगाऊंगी टू ब्रिंग दैट एरिया अप। ब्लेंड कर लेंगे और फिर उसको फिट मी के लूज पाउडर से मैं सेट कर रही हूँ अच्छे से और बेक कर रही हूँ। आई एम बेकिंग दैट वेरेवर आई हैव अप्लाइड कंसीलर, आई एम बेकिंग दैट एरिया। अब हम वो सेम शुगर का कॉन्टोर लेंगे, पाउडर कॉन्टोर, उससे जहां हमने कॉन्टोर किया था उसको सेट करेंगे, क्रीम कॉन्टोर को सेट करेंगे। अब मैं ये अगेन न्यू परचेस है NYV की, ये जो गोल्डन कोल लिया था गाइस, इज अ नाइस कोल। यू कैन सी इमीडिएटली कितना पिगमेंटेशन उसका अच्छा है। उसको अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। फिर लोअर लैश लाइन को मैं कुछ एक्स्ट्रा आई शैडो नहीं ले रही हूँ, जो हमने पेंसिल ब्रश जो डार्क ब्लू शेड के लिया था उसी को मैं सिर्फ लोअर लैश लाइन में स्मोक आउट कर रही हूँ। यू कैन सी इट हैज दैट पिगमेंट, सो आई डिडंट यूज एनी एक्स्ट्रा। फिर मैं ये लोअर लैश लाइन को मस्कारा लगाऊंगी, सॉरी लोअर लैशेस को मस्कारा लगाऊंगी अपने, और अपने एक्स्ट्रा जो पाउडर थी बेकिंग की उसको रिमूव कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। नाउ आई एम गोइंग टू गो इन विद दैट ब्लश पैलेट जो मेरा फेवरेट है, उसमें से वो जो पिंकी शेड है उसको स्माइल करते हुए लगाऊंगी। इट हैज गॉट स्लाइट शीन, कैन यू सी दैट, अच्छे से लगाऊंगी गाइस। Then we will set our face and then we will apply a highlighter. Set करके मैं ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा डैप कर लूँगी everything nicely और फिर मैं हाईलाइटर लगाऊंगी मेकअप रेवोल्यूशन का, which is one of my favorite highlighters. हाईलाइटर usually areas में जहाँ पर भी लगाती हूँ मैं guys वहाँ लगाऊंगी। And yes, of course, my inner corner of my eye, which is very important. Give that brighter look to my eyes. Guys, I've just done a blue smokey eye also, but this is not blue smokey eye, guys. This is an halo eye makeup which I've done. It's not smokey eye, it's an halo eye. Now we'll move on to the lips. Color bar ke pink lip liner se lips ko line karungi. थोड़ा ओवरलाइन कर रही हूँ मैं, सो दैट यू नो वी गेट अ नाइस प्लम्पी लिप लुक। फिर यहाँ पे फुल लिप्स का लुक देने के लिए यहाँ पे NYB का लिप क्रेयॉन ले रही हूँ। शेड और एवरीथिंग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा गाइस। ये भी मेरा न्यू परचेज है उसी हॉल में से। आफ्टर आई अप्लाई लिप्स दैट्स माय फाइनल लुक। आई होप यू रियली लाइक्ड माय वीडियो द वे आई क्रिएटेड दिस लुक, एंगेजमेंट लुक। एंड यस, आप ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी कर सकते हैं गाइस। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप एंगेजमेंट लुक करें। ये ज्वेलरी मेरी अमेजोन से है गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यस, इफ यू ट्राई दिस लुक डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल गाइस। एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड लव यू बाय।